Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. पैराग्राफ को आप देखेंगे तो ये जो दावा किया जा रहा था कि ये 200 किलो गांजा है, ये पूरी तरह से कोई 200 किलो गांजा उसमें नहीं मिला। कुल मिला के 7.5 ग्राम साइज था फर्नीचर वाला के पास, जो मिला वो मेरा जाना है। 1 किलो वेजिटेटिव है, इस तरह का पॉजिटिव रिपोर्ट है। मैं वो भी रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने सीए रिपोर्ट करूंगा। बाकी सारी चीजें ये हर्बल टोबैको है, इस तरह से रिपोर्ट में आया है। मैं सीए रिपोर्ट आपको साझा कर देता हूं। सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी एजेंसी है एनसीबी, और तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती है, ये बड़ा अचंभव का सवाल है। मेरी जानकारी है कि इस तरह के केसेस में जो भी एजेंसीज काम करती है उनके पास इंस्टेंट टेस्टिंग का एक किट होता है, जिससे टीएससी केमिकल लेवल देखकर वो तय कर सकते हैं कि ये एनडीपीएस एक्ट में कवर होने वाली कोई पदार्थ है या नहीं। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें उन्होंने चेक की, गांजा नहीं था, और लोगों को फ्रेम करने का काम किया गया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरी तरह से ये जो कोर्ट की रिपोर्ट है ये कहती है। जो धाराएं लगाई गई 27A की वो लागू नहीं होती। जो भी मुकदमा बनता है वो साइज का फर्नीचर वाला का है, जिसे आपने सेम डे जमानत देने का काम किया। सारे चैनल पे यही दिखाया जा रहा था कि बड़े पैमाने पे गांजा बरामद हुआ है, लेकिन घर पे कोई भी इस तरह की चीजें नहीं मिली। फिर भी टीवी को बताया गया, रिपब्लिक टीवी को देख लो चल रहा है, न्यूज एक्स पे चल रहा था, अलग अलग चैनलों पे के गांजा बरामद हुआ, इस तरह से चीजें की गई। सिलेक्टिव खबरें लीक करके लोगों को बदनाम करने का काम एनसीबी करती है। ऑर्डर पंचनामा मैं आपको दे दूंगा, आप लोग उसमें पढ़ लें। क्लियर कट फ्रेम करने का मामला है, जो मैं आज तक सवाल उठाता था कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है। इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है।